शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से तुम बच के रहना, कहीं तुम पर मेरी नफरत का रंग ना चढ़ जाए। अवनी, ऐसी धमकी से ना तो मैं पहले कभी पीछे हटी थी और ना अब पीछे हटूंगी। जितनी बार तुम वरुण जी और कीर्ति के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करोगी, उनका घर तोड़ने की कोशिश करोगी, तुम उतनी बार मुझे अपने सामने खड़ा पाओगी। याद रखना। परेशान क्यों है? कौन आपको बार बार फोन कर रहा है? वरुण जी, कौन परेशान कर रहा है? आपकी अम्मी से कोई बात हुई है क्या? पता नहीं हमें बिना बताए कहाँ चली गई, अभी तक वापस नहीं आई है। वो ना हम दोनों गप्पे मार रहे थे, फिर दीदू आई और उसे लेकर चली गई। उसके बाद वो लौटी ही नहीं है। फोन किया, कहाँ जा रही है, कब आएगी? आपकी तो दोस्त है ना, आपको तो फोन किया होगा। अरे वरुण जी, बताइए ना, हम कब से पूछ रहे हैं। अरे कीर्ति, बस करो। ये क्या तुम अपनी अपनी करके मेरे सर पे चढ़ी हुई हो? 5 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती तुम? अरे इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं परेशान हूँ तो तुम 5 मिनट के लिए चुप हो जाओ? लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा की तरह बस अपनी पड़ी हुई है। I'm sorry, स्वीटू। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm really sorry। वो मैं actually थोड़ा हम सब जानते हैं वरुण जी। हमें सब पता है कि ये सब आप हमारे लिए ही कर रहे हैं। आप दिन रात ऑफिस में इतना काम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई कमी ना हो, पर हमें ना आपको ऐसे परेशान देख के अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज परेशान मत रहा करिए। स्वीटू, हाँ मैं हूँ थोड़ा परेशान, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो, तुम्हें जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। आप हैं, इसी बात की तो परेशानी है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? आप आई और अपनी जैसी दोस्त हमसे दूर हो गई। कितना कुछ प्लान किया था, फिल्म देखने जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, मॉल घूमेंगे, और आप उसे लेकर चली गई। अरे और मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि ये सारे काम हम साथ में करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी मैं होली पर तुझे नए कपड़े दिलवाऊंगी, तुझे शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी। आपको टाइम मिलेगा घर के काम से? देखेंगे कितना टाइम निकाल सकती हैं आप हमारे लिए। ये क्या है कीर्ति, तूने अभी तक फ्रूट्स भी नहीं खाया। चल चल इधर बैठ। नहीं। इधर बैठ कीर्ति। मैं ना तुझे हर जगह घुमाने लेकर जाऊंगी,
लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छे से खाना पीना करना पड़ेगा। चल सबसे पहले ये जूस पी। नहीं 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 दीदू, ये जूस ना बहुत खट्टा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हम नहीं पी पाएंगे, प्लीज प्लीज। तो एकदम से मत पी, धीरे धीरे करके पी लेना। चल चल खत्म कर। मैंने कीर्ति के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं तो बेचारा रेडी हो रहा था बस। मैंने तो आपसे कुछ पूछा भी नहीं। लेकिन तुम्हारा क्या पता कब तुम्हें सनक चढ़ जाए, कीर्ति के खिलाफ कोई कुछ बोल जाए, तुम तो उसका हाथ पकड़ के घर के बाहर छोड़ाती हो, जैसे अवनी को निकाला। ना बाबा ना, कीर्ति के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। वैसे मूड कैसा है महारानी साहिबा का, ठीक है ना? ठीक। पता नहीं अभय किस बात से वो उखड़ी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे कीर्ति को मुंह फिराने के लिए कोई वजह चाहिए, अब तो ऐसे भी उसका मुंह ऐसा ही हो गया। अभय आप भी ना। अरे यार अब तो अवनी भी चली गई, भाई भी सुधर गया, अब क्यों परेशान हो? मुझे वरुण से दूर करने की कोशिश में तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि इस होली में मैं अपना असली रंग सामने लाऊं। अभय मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, कहीं अवनी उनकी जिंदगी में वापस ना आ जाए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? जिस तरह से डरा धमका के धक्के मार के तुमने उसे निकाला है घर से, वो नहीं आने वाली, मैं खुद ना आऊं? ऐसे मानती हो ना मेरी बात, कुछ तो सीखा है तुमने मुझसे। श्रद्धा दिखाओ कहाँ लगी? कुछ नहीं अबे, ठीक हो जाएगा। तुम भी ना, जब भी भाई और कीर्ति की बात होती है ना कहीं खुद को लगा ही लेती हो, मुझे तो डर ही लगा रहता है। अरे छोटी सी चोट है अबे, ठीक हो जाएगी। दिखाओ। नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, रोमांस का ना मुहूर्त निकला जा रहा है। हमारा मतलब है कि होलिका दहन की तैयारी करने के लिए सब आने वाले हैं। बुआ जी आप आंखें खोल लो। बुआ जी नहीं 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 नहीं, हम आंखें नहीं खोलेंगे, अगर हमने आंखें खोल दी तो लोग क्या कहेंगे कि हम बेशरम हैं। वैसे ना हमारी कोई गलती नहीं है, दरवाजा पहले से खुला था। वो बुआ जी हम नीचे ही आ रहे थे ना, हम तो कहेंगे कि तुम आ जाओ, और तुमने अपने मम्मी पापा को तो बुला लिया है ना। जी बुआ जी, वैसे जल्दी आ जाना। हम आ रहे हैं। एक ये श्रद्धा है जो हम सबके साथ मिलकर ये थाल सजा रही है, और इस घर की जो दूसरी बहुरानी है उनकी भी ये पहली होली है इस घर में, मगर देखिए सजने सवरने से उन्हें फुर्सत कहाँ, हमें तो लग रहा है होली का दहन के बाद ही वो दर्शन देंगे हमें। ये लो आ गई कीर्ति भाभी। पर लगता है थोड़ी सी नाराज है। ऐसे कैसे नाराज हो सकती है, त्योहार का दिन है, कैसे नाराज हो सकती है? देख मैंने तेरे पसंद की गुजिया बनाई है, चख के बता ना मीठा ठीक तो है। हमारी जिंदगी से मिठास छीनकर आपको गुजिया में मीठा डालना है, बहुत मजा आ रहा है ना आपको दीदू? हर दिन हमारे पसंद का खाना बनाती हैं ताकि सबकी नजर में एक अच्छी बहू बन सके, एक अच्छी बहन बन सके। हम सब समझते हैं आपका। क्या हो गया है तुझे कीर्ति,
ऐसे क्यों बोल रही है? कीर्ति, इतने वक्त में हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि श्रद्धा कभी नाटक कर ही नहीं सकती। अरे वो तो ढंग से झूठ तक नहीं बोल सकती, तो नाटक क्या काम करेगी? ये हमारी बहन है, तो आपसे ज्यादा ना हम इनको जानते। हमें पता है, जब इन्हें लगा कि अवनी हमारी अच्छी दोस्त बनने लगी तो इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और अवनी को घर से बाहर निकाल दिया। हमें पता है कि आपने अवनी को कुछ तो बोला, इसीलिए आज वो हमसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी और होली पे भी आने से मना कर दिया। अगर अवनी इस घर में रहेगी तो मैं इस घर से कीर्ति को हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली जाऊंगी, और जाने से पहले मैं सबको ये भी बता दूंगी कि आपने क्या और कैसे किया है। इसीलिए तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे अवनी की अपनी जिंदगी, हो सकता है वो किसी काम में फंस गई हो। अच्छा, उस दिन जब दीदू उसे कमरे से बाहर लेकर गई, उसके बाद से आज तक उसके पास वक्त ही नहीं है हमारे लिए। ये क्या इत्तेफाक है वरुण जी? नहीं, ये सब दीदू का किया कराया है। अरे तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? अरे वो श्रद्धा ही थी जो हमेशा तुम्हें अवनी के लिए समझाती थी, और तुम बेकार में शक करती थी और घर में तमाशा। वही तो हम कह रहे हैं कि दीदू को ना हमें परेशान देखने में सुकून मिलता है। आ जाती है हमें समझाने के लिए, अच्छी बहन बनने के लिए, पर हम जरा सा खुश हो जाए तो वो खुशी ना इनसे बर्दाश्त नहीं होती। जब इन्हें लगा कि हमारी अवनी से दोस्ती बढ़ रही, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजे कर रहे, पर वो दीदू से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया ताकि ये अच्छी बहन बन सके। हमें सब पता है दीदू, आपको ना हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कीर्ति! बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जा रही हो। बड़ी बहन की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह तुम्हारी सेवा की है उसने, पर तुम्हें तो कोई लिहाज नहीं है। लिहाज और तमीज की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। तुमने खुद अपने आप को देखा है? अरे दीदू के कारण तो तुम इंसान बने हो, वरना हमेशा से तो तुम जंगली ही थे। और तुम दीदू की तरफदारी क्यों नहीं करोगे? अरे उन्हीं के कारण तो तुम्हारी थोड़ी सी हैसियत बनी है। कीर्ति, ऐसे क्यों बात कर रही है तू अभय से? क्या हो गया तुझे? वाह, बड़ी गहरी दोस्ती हो गई आप दोनों की। एक भी उंगली उठाओ तो दूसरे को तकलीफ होती है, एक को कुछ बोलो तो दूसरी अपनी आवाज ऊंची कर लेता है। वाह, पर हमारा क्या दीदू? हमारी दोस्ती का क्या और हमारे पति का क्या? जब देखो कोई भी आके हमें बेइज्जत करके चला जाता है, तब आप चाहती है कि कोई कुछ ना बोले, सब चुपचाप बैठे रहे, है ना दीदू? कीर्ति, सही जी जी, कैसे हो आप? श्रद्धा, कीर्ति, अब तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो। त्योहार का दिन है, तुम्हारे मम्मी पापा आए हुए हैं, उनकी खातिरदारी करो। और तुम ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात मत किया करो,
इससे बच्चे पर असर होगा और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है? शांत रहो। आपसे एक बात करनी है। अभय जी, मुझे आपसे और श्रद्धा से कुछ जरूरी बात करनी है। जी आंटी जी, आइए ना। यशवी जी, ये लीजिए, पहले मुंह मीठा करिए। अरे, अपनी बड़ी बेटी की बड़ी खुशखबरी के लिए। खुशखबरी? श्रद्धा की खुशखबरी? अरे, आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं? अरे, श्रद्धा और अभय खुद का काम शुरू कर रहे हैं। श्रद्धा भी बड़ी मालकिन बन के बैठेगी अपने खुद के नाम की कंपनी के साथ, श्रद्धा सारीज। देखा आपने अश्विन जी, अभय और श्रद्धा के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है और दोनों मिलके साथ में काम भी कर रहे हैं। नहीं, हम जब तक दोनों से साफ साफ बात नहीं कर लेंगे, हम इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो अब क्या त्योहार के दिन लोगों से ये सवाल करेंगे आप? यशवी जी, आप हमेशा ही सक्षम जी के साथ रहती है। अरे, आप इतने वक्त के बाद हमारे यहाँ आइए, हमसे भी थोड़ी बातें कर लीजिए। अरे नहीं नहीं रितु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चलिए, सब बाहर चलते हैं, होलिका दहन का मुहूर्त निकला जा रहा है। भाभी, हम दिलीप भैया और अनुज भैया को बुलाकर लाते हैं। जाइए। अरे नहीं नहीं कीर्ति, जो हुआ उसे भूल जा, चल बाहर चलते, चल ना। कुछ ज्यादा ही अवनी का भूत चढ़ गया इसके सर पे। सच बता के अभी उतारता हूँ उसमें। नहीं अभय, कहने दीजिए। आप तो जानते हैं ना, कीर्ति की नाराजगी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं अवनी वापस ना आ जाए। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने कीर्ति से बात की। फिक्र मत करो, मेरी फोन पर उससे बात हुई है, नहीं आएगी वो यहाँ। तुम हमें सच सच क्यों नहीं बता रही हो? उस दिन अभय ने तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात क्यों की थी? मम्मी, ऐसा नहीं है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई। हमारे कहने पे तुम आ ही गई। सच बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो।